हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आरपीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे बिहार पीजी एडमिशन 2020 के बारे में। तो ऑनलाइन फॉर्म आप लोग का भी जो है भराया जाएगा पीजी एडमिशन के लिए, जिसका जो है नोटिस आप लोग का आउट हो चुकी है। तो कब से कब तक आप लोग का जो यहाँ पे फॉर्म लिया जाएगा और इसकी अधिक जानकारी यानी कि पूरी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को हर एक जानकारी यहाँ पे मिल सके। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने ऑफिशियल न्यूज़ और नोटिस पे आ चुके हैं, जो कि जारी किया गया कुछ इस प्रकार से, आप लोग देख पाएंगे। पीजी में दाखिला को 15 से भरे जाएंगे फॉर्म। जी हाँ फ्रेंड्स, 15 फरवरी 2020 से जो आप लोग का यहाँ पे आप लोग आवेदन दे सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। आप लोग अपने से भी आवेदन कर पाएंगे या फिर कैफे से जाके भी आवेदन आप लोग करवा सकते हैं। तो पूरे बिहार के छात्रगण, जितने भी छात्रगण हैं जो पीजी एडमिशन के लिए वेट कर रहे थे, वो सभी छात्रगण यहाँ पे जो है आवेदन दे सकते हैं। हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर जो है डिस्ट्रिक्ट की ओर से, ये जो है अभी मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी की ओर से ये भर्ती लिया जा रहा है, एडमिशन किया जा रहा है। ठीक है, तो सभी लोग जो है अपने घर से ही, अपने ज़िले से ही आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग को बताना चाहेंगे, यहाँ पर देख पाएंगे पॉइंट पर जानकारी दिया जा रहा है कि टेस्ट व स्नातक नंबरों पर होगी दाखिला। तो टेस्ट लिया जाएगा और स्नातक जो आप लोग का ग्रेजुएशन की मार्क्स है उसके आधार पर आप लोग का यहाँ पे दाखिला दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को बता दे, अभी तो ये जानकारी मिल रही है, बाद में हो सकता है क्या कि आप लोग का जो स्नातक का यानी कि ग्रेजुएशन का नंबर है उसकी बेस पर डायरेक्ट भर्ती लिया जा सकता है। ऐसा हो चुका है बहुत बार। ठीक है, आगे भी शायद ऐसा ना हो। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो आप लोग जो है आवाज़ उठाइएगा, तो आगे देखा जाएगा जो भी होगा। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे, देख पाएंगे, जानकारी मिल रही है कि सत्र 19-21 के लिए दाखिला के लिए जो है देख पाएंगे 15 फरवरी से फॉर्म भराए जाएंगे। यह जानकारी जो है बीवी के जो है यूएसएमआई के नोडल प्रोफेसर जो है ललन झा ने दी है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और पीजी में दाखिला टेस्ट और स्नातक के नंबरों पर को मिलाकर यहाँ पे होने वाला है। तो मेरिट लिस्ट जो है 50 नंबर पर होगा और टेस्ट और 50 नंबर स्नातक के नंबर जोड़कर जो तैयार किया जाएगा। अगर किसी छात्र को जो है टेस्ट में कम नंबर है और स्नातक में जो है अधिक नंबर है तो उनकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो इसी के साथ आप लोग को बता दें, अगर टेस्ट में जो है अधिक नंबर है और स्नातक में कम नंबर है तो भी मेरिट लिस्ट में आप लोग का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात आती है फ्रेंड्स कि जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे, फॉर्म को भरेंगे तो फीस कितने रुपये लगेंगे। तो फीस आप लोग को बता दें, अकॉर्डिंग टू 2018 आप लोग का फीस यहाँ पे लगभग जो है 1200 रुपये लग सकते हैं। ठीक है, 2018 के अनुसार। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोग जब फॉर्म भरेंगे तो पता चले जाएंगे। ऐसे भी जिस दिन फॉर्म भरा जाएगा 15 तारीख को, आप लोग को उस दिन भी वीडियो बना के सूचित करेंगे कि कितने रुपये आप लोग का फॉर्म इस बार रखा गया है, और अधिक जानकारी फॉर्म भरने से पहले आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग को बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग के मन पर कोई भी जो है सवाल हो, क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, आप लोग हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हमसे पूछेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप लोग का जितनी भी लोगों का कॉमेंट्स आएंगे, दो दिनों बाद आप लोग का कमेंट्स का जो रिप्ले, एक वीडियो बनाएंगे, रिप्ले वीडियो। ठीक है, उसमें आप लोग का सभी लोग का रिप्ले रहेंगे। तो आप लोग अगर लास्ट तक अभी तक वीडियो देख लिए, जो क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग को मिल गई उसके आधार पे, जो क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिला है, जो आपको जानना है जानकारी, वो आप हम लोग हमसे पूछ सकते हैं, आपको जानकारी 100% सही दी जाएगी, जो भी जानकारी हमारे पास है। ठीक है, तो जो लोग बिना देखे कॉमेंट करेंगे उनका कॉमेंट का रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। आशा करेंगे आप लोग को ये वीडियो जो है यूज़फुल लगा, जानकारी पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप में, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके मन करे तो। ठीक है फ्रेंड्स, आपके मन के आधार पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को बिहार से रिलेटेड हर एक न्यूज़ अपडेट और वैकेंसीज की जानकारी डेली बाय डेली दी जाती है। तो उस आधार पे आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को जाके चेकआउट कीजिएगा किस प्रकार वीडियो अपलोड होती है। अगर आप लोग को पसंद आती है इस प्रकार की वीडियो तो ही कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे बहुत जल्द और एक वीडियो में और एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।